टाटा ग्रुप की विरासत को अब नोएल टाटा संभालेंगे। टाटा ट्रस्ट ने नोएल टाटा को नया चेयरमैन बनाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। इससे पहले टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा थे, जिनका 9 अक्टूबर देर रात को निधन हो गया। उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया था। टाटा ग्रुप की फिलहाल सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स है, जिसके चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है, लेकिन टाटा ट्रस्ट इससे भी ऊपर है, जिसकी जिम्मेदारी अब नोएल टाटा संभालेंगे। ऐसे में चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर है कौन नोएल टाटा और इनके चेयरमैन बनने के बाद लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के बोर्ड को सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था के रूप में मौजूदा ट्रस्टियों में से किसी एक को नया चेयरमैन बनाना था। बोर्ड ने ये जिम्मेदारी नोएल टाटा को दे दी है। नोएल इससे पहले सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इन ट्रस्ट का कुल मिलाकर टाटा सन्स में 67% की बड़ी हिस्सेदारी है। उन्हें निर्विरोध टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुना गया है। इससे शेयरधारकों के बीच भी ये संदेश आएगा कि टाटा परिवार का ही कोई सदस्य ट्रस्ट को संभाल रहा है। वहीं अगर बात की जाए नोएल टाटा के बारे में, तो नोएल टाटा रिश्ते में रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। वो रतन टाटा के पिता नवल टाटा और सिमोन टाटा की संतान है। नोएल फिलहाल टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रेसिडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नोएल पिछले 4 दशक से टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वो टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड में भी शामिल है। ट्रेंड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में नोएल टाटा प्रेसिडेंट और टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शामिल है। वहीं नोएल की शादी आलो मिस्त्री से हुई है। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, ली, माया और नेविल टाटा। सभी पारिवारिक व्यवसाय में सक्रिय तौर पर शामिल है। ली टाटा इंडियन होटल्स कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, वहीं माया टाटा टाटा कैपिटल्स से जुड़ी हैं, जबकि नेविल टाटा स्टार बाजार में ट्रेंड और नेतृत्व टीम का हिस्सा बनते हैं। अब जैसे ही ये खबर सामने आई कि नोएल टाटा को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, इस पर लोगों ने भी अपनी तरह तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि सकल से ही स्कैम वाला लग रहा है। वहीं एक ने लिखा कि शांतनु को होना चाहिए था। एक ने लिखा कि उनके किरदार की रक्षा करें। फिलहाल अब नोएल टाटा के न्यू चेयरमैन बनने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।